जय माँ विंध्यवासिनी। माँ विंध्यवासिनी त्रिकोण यंत्र पर स्थित तीन रूपों को धारण करती हैं, जहाँ स्वयं माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी विंध्यवासिनी के रूप में अष्टभुजी अर्थात महासरस्वती और काली खो जो काली खो जो महाकाली के रूप में विराजमान है। मान्यता के अनुसार सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और परलोक के बाद भी इस क्षेत्र का कभी समाप्त नहीं हो सकता। जबकि विंध्य पर्वत वह स्थान है जहाँ देवी ने अपने जन्म लेने के बाद निवास करना चुना, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पड़ती है। बनारस से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। जय माँ विंध्यवासिनी। जो विंध्याचल धाम से काली खो लगभग 3 किलोमीटर है और अष्टभुजा मंदिर भी लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। जय माँ विंध्यवासिनी। माँ विंध्यवासिनी त्रिकोण यंत्र पर स्थित तीन रूपों को धारण करती हैं, जहाँ स्वयं माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी विंध्यवासिनी के रूप में अष्टभुजी अर्थात महासरस्वती और काली खो जो काली खो जो महाकाली के रूप में विराजमान। मान्यता के अनुसार सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और परलोक के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। जबकि विंध्य पर्वत वह स्थान है जहाँ देवी ने अपने जन्म लेने के बाद निवास करना चुना, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पड़ती है। बनारस से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। जो विंध्याचल धाम से काली खो लगभग 3 किलोमीटर है और अष्टभुजा मंदिर भी लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है।